हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। सो आज हम एक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का वर्कआउट कर रहे हैं, पुश वर्कआउट। बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि कौन सा वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करते हैं, एंड बहुत सारे लोगों के पास एक ट्रेनर नहीं है, एक कोच नहीं है, तो मे बी उनको एक वर्कआउट शेड्यूल चाहिए। सो मेरा जो वर्कआउट शेड्यूल रहता है दैट इज़ अ पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग बेस्ड। मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग स्टाइल का ट्रेनिंग नहीं करता, मुझे स्ट्रांग होना पसंद है अपने कंपाउंड मूवमेंट्स पे, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट में मैं नंबर्स चेज करता हूँ, मुझे स्ट्रांग होना होता है, तो उसका ट्रेनिंग उसके स्पेसिफिक होता है। एंड बाकी की जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो आइसोलेशन एक्सरसाइजेज में मैं हाइपरट्रॉफी एंड बॉडी बिल्डिंग, मोर मसल टेंशन, उन सारी चीज़ों को चेज करता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो होगा बेंच प्रेस की टेक्निकलिटीज़, बिकॉज जिम में मैं देखता हूँ बेंच प्रेस में लोग वो 80 किलो पे दो दो साल रहते हैं स्टिक, या फिर 100 किलो का बेंच प्रेस कभी अचीव नहीं कर पाते, जो कि बहुत आसान होता है। अगर आप थोड़ा बहुत अपनी टेक्निक्स को चेंज करेंगे तो बेंच प्रेस की टेक्निक के बारे में बात करेंगे, लेग ड्राइव हो गया, वेट को नीचे लाते वक्त टाइटनेस कैसे मेंटेन करना है, स्कैपुलर रिट्रैक्शन कैसे करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड इंस्टाग्राम पर जरूर सपोर्ट करें, singa_10 है मेरा अकाउंट, आप उसका लिंक नीचे मिलेगा। एंड ये जो जिम में मैं शूट कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा जिम है, एंड बहुत ही मेरे एक बहुत ही अच्छे क्लोज दोस्त का जिम है, ये सूरज भाई का जिम है, आप भी इनकी बॉडी देख रहे हैं। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, अब किसी फ्रेंड ने, अगर आप किसी का आपका फ्रेंड कोई बिजनेस करता है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरे फ्रेंड ने एक छोटा सा जिम खोला है, बहुत ही अच्छा जिम है, आई थिंक जमशेदपुर में, जो मेरा शहर है, जो अगर जमशेदपुर से आप लोग देख रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जिम्स। जब से गवर्नमेंट अलाउ करेगी, हम बहुत वेट कर रहे हैं, शायद सितंबर में गवर्नमेंट अलाउ कर दे तो हम यहीं पे वर्कआउट करेंगे। इसका एड्रेस आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ज़रूर यहाँ पे 1 सितंबर से अगर परमिशन मिलती है तो वर्कआउट करेंगे। 600 रुपये फीस है, तो आप आके ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट, सबसे पहले बेंच प्रेस पे मूव ऑन करेंगे। सो पहली एक्सरसाइज है बेंच प्रेस। सबसे पहले मैं बात करूंगा टेक्निकलिटीज़ के बारे में कि आप सेटअप कैसे करते हैं। बेंच प्रेस का सेटअप मतलब ये नहीं होता कि आप बस शुरू हो गए, उसका एक प्रॉपर सेटअप होता है बेंच प्रेस का, उस सेटअप के बारे में बात करेंगे। एंड मेरा जो वर्कआउट होता है वो थोड़ा लोअर रेप रेंज में होता है, जैसे आज मैं करने वाला हूँ 120 केजीज पे 5x5, मतलब 5 सेट 5 रेप, एंड उससे पहले 3 से 4 सेट वार्म अप होंगे जहाँ पे 2-4 रेप वार्म अप करूँगा। सो सबसे पहले सेटअप के बारे में बात करेंगे। एंड मैं 5x5 कर रहा हूँ, बट अगर आपको बॉडी बिल्डिंग की तरह से वर्कआउट करना है तो आई थिंक यू नीड हायर रेप्स। सो अगर आप सिर्फ बॉडी बनाना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, तो आई थिंक आपको 8 से 12 वाला रेप रेंज में स्टिक रहना चाहिए, कभी कभी 5-6 रेप्स वाला वर्कआउट करना चाहिए, बट मोस्टली आपको 8 से 12 करना चाहिए। सो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है बेंच प्रेस में, दैट इज स्कैपुला को अपना रिट्रैक्ट करना। इस पोजिशन में है आप जब आप बेंच करते हैं, तो ये डिप्रेस करना, स्कैपुला को डिप्रेस करना, एंड दैट इज वाई बेंच पे मैं अभी आपको स्कैपुला को डिप्रेस करके दिखाऊंगा। सो सबसे पहले व्हाट आई डू, इस पोजीशन में आके मैं अपने स्कैपुला को डिप्रेस करके एक स्टेबल पोजीशन में जाने की कोशिश करूंगा, एंड इस पोजीशन से आके अब मैं अपने हिप्स को नीचे लेके आऊंगा, लेग्स बिहाइंड माय नीज, ये जो पार्ट है ये मेरे नीज के पीछे आएगा, बिकॉज आई वांट टू यूज लेग ड्राइव, एंड यहां से रिरैक पुश। जब नीचे भी वेट लाते हैं तो बिल्कुल कंट्रोल एंड पुश, ये बहुत लोग करते हैं, ये फुली कंट्रोल्ड पुश। सो लेट्स गो, मुझे लगता है मैंने बहुत कोशिश की सही से समझाने की, लेट्स गो वॉकिंग सेट्स पे। सो ये मेरा आखिरी वार्म अप सेट है, दिस इज 100 kgs, 25-15 25-15 एंड 20 का बारबेल। सो ये मेरा आखिरी वार्म अप सेट है जहाँ मैं 3 रेप करूंगा बेसिकली, इससे पहले 70 पे 5 रेप्स किए। सो आपको वार्म अप सेट्स भी कैसे अप्रोच करना है, कितने रेप्स करने हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। एंड बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आप बहुत ज़्यादा वाइड ग्रिप लेते हैं, बहुत ज़्यादा। सो ग्रिप आप कोई भी लीजिए जो आपको सूट करती है, मुझे वाइड ग्रिप में शोल्डर्स पे स्ट्रेन नहीं आता, मेरे को कंफर्टेबल फील होता है, बट बहुत लोगों को वाइड ग्रिप में शोल्डर्स में पेन आएगा। सो आप मत करिए, आप एक ऐसा पोजीशन ढूंढिए जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट बॉडी एनाटॉमी। एंड अगर आप आर्नल्ड को देखेंगे, द ग्रेट आर्नल्ड, वो भी बहुत वाइड ग्रिप पे चेस्ट प्रेस करते थे। सो ग्रिप उस हिसाब से लीजिए। सो लेट्स गो, दिस इज माई आखिरी वार्म सेट, लास्ट वार्म सेट।
स्लाइट करेक्शन, आज मेरा मेन सेट जो है वो 110 किलो का है, 110 किलो पे 5 रेप है, एंड लाइक लास्ट वर्कआउट में मैंने 120 किलो पे 5 रेप किया था, इंस्टाग्राम पे डाला भी था। सो आज 110 किलो पे 5 रेप, ये डिफरेंट वेट्स पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स गो, दिस इज माई मेन सेट। अब यहाँ से मैं 3 मेन सेट्स करूँगा। सो अब हम करने वाले हैं इंक्लाइन, बारबेल, बेंच प्रेस, एंड बहुत सारे लोग अब बोलेंगे, कंफ्यूज होते हैं इंक्लाइन मतलब बारबेल यूज़ करें या डंबल यूज़ करें। सो एग्जैक्टली कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, मुझे इसमें बेसिकली ज़्यादा मज़ा आता है, बारबेल में आजकल ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मैं बारबेल कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप इंक्लाइन में या डिक्लाइन में डंबल प्रेफर करना चाहते हैं, डंबल से आपको ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन बनता है, वो करिए, कॉपी करने की एग्जैक्ट ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे हम हाइपरट्रॉफी वर्क कर रहे हैं, वॉल्यूम वर्क कर रहे हैं, 8-12 रेप रेंज। पहला जो सेट है 75 किलोज है, और यहाँ पे 10 रेप लगेंगे, फिर वेट इंक्रीज करके 10 रेप, फिर जब 90 केजी या 100 किलो करके 6-8 रेप। तो इस वे में वेट इंक्रीज होगा, भले थोड़े रेप्स कम होते जाएंगे। सो लेट्स गो। सो इसके 4-5 सेट, 3 सेट नहीं, 4-5 सेट करेंगे। एंड बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस वर्कआउट के बाद जब मैं प्रोटीन कंज्यूम करूँगा तब आपको मैं बता दूंगा, एक बहुत अच्छा प्रोटीन जो मैं यूज़ कर रहा था इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो लेट्स गो। ये हमारी दोनों चेस्ट की एक्सरसाइज होंगी, आज हम टोटल 6 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 2 चेस्ट की होंगी, अब 2 शोल्डर एंड 2 ट्राइसेप्स। पुश वर्कआउट को मैं इसी में अभी डिवाइड कर रहा हूँ, 2-2-2। सो लेट्स गो। नेक्स्ट इज रेगुलर सीटेड OHPs फॉर शोल्डर्स। हम यहाँ पे अभी एंटीरियर हेड, सामने वाला जो हेड है शोल्डर्स का, उसको ट्रेन कर रहे हैं। मुझे लगता है हम नई चीज़ें ट्राई करने के चक्कर में पुरानी जो वर्कआउट्स हैं, पुरानी ओल्ड स्कूल वर्कआउट्स हैं, उनको भूलते जा रहे हैं, बेसिक जो वर्कआउट्स हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जो मेरे शोल्डर्स को डेवलप करती है। स्टैंडिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट सीटेड इज मोर सूटेड टू बॉडी बिल्डिंग स्टाइल, बिकॉज आप आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, बैठ के एकदम हाई ज़्यादा रेप्स निकाल पा रहे हैं। सो यहाँ पे 5 सेट 10-15 रेपिटेशंस कर रहे हैं, एंड हर सेट के बाद 2-3 सेट के बाद कोशिश करना हल्का वेट ऐड करने का। सो लेट्स गो। दिस इज 15 किलो ऑन बोथ साइड्स, 15-15 किलो है, सिंपल। बैक को रेस्ट करेंगे, हाथ हल्के शोल्डर्स के बाहर, एंड लेट्स गो। तो ये पहला सेट था, इसके बाद धीरे धीरे वेट्स बढ़ा के और 3-4 सेट्स, 4 सेट करेंगे, टोटल 5 सेट। लेट्स गो। अगला वर्कआउट एक सुपर सेट है फॉर लैटरल हेड एंड पोस्टीरियर हेड। नेक्स्ट अब हम इन सुंदर डंबल्स की तरफ आ जाते हैं, एंड आई थिंक ये डंबल मैंने पहली बार देखा है जिम में, शायद दिल्ली वगैरह में हो, बट यहाँ मेरे शहर में तो कभी ऐसे डंबल्स नहीं देखे, कैप्टन अमेरिका वाले। सो बहुत मज़ा आएगा अगर आपको इन डंबल्स के साथ वर्कआउट करना है तो ये जिम ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सो बेसिकली अगला जो वर्कआउट है दैट इज़ अ सुपर सेट, लैटरल रेजेस, कंट्रोल लैटरल रेजेस एंड बेंट ओवर फ्लाइज का, सिंपल अगेन ओल्ड स्कूल वर्कआउट। एग्जीक्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन ज़रूरी है कि आप कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, अपना फ्लो नहीं तोड़ते हैं, अपना लाइक जो आपका स्टेबिलिटी है बॉडी का वो नहीं तोड़ते हैं। सो लेट्स गो। सिंपल इस पोजिशन से यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपना लैटरल रेजेस, यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, फिर यहाँ ला रहे हैं इसी वे में, कंट्रोल वे में। सो लेट्स गो। दोनों के 10-10 रिपीटेशन है, एंड जैसे आप इसके 10 रिपीटेशन खत्म करते हैं इस वे में बेंड, एंड मैं जो बेंड ओवर फ्लाइज है ये बेंड ओवर करके वो मैं थोड़ा डिफरेंट वे में करता हूँ, लोग कुछ इस वे में करते हैं, मैं हल्का पीछे लेके जाता हूँ, बिकॉज अब एक बार ट्राई करना, यू विल फील अ बेटर कॉन्ट्रैक्शन। सो बेंड करके हल्का पीछे,
सो 10-10 रिपीटिशन दोनों के, 4 सेट विल बी एनफ. एंड आई थिंक शोल्डर में फ्रंट ट्रेन हो गया, साइड हो गया, ये हो गया. आपको 5-5 एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है. 2 चेस्ट हो गया, 2 शोल्डर हो गया, अब मज़ा आएगा. मज़े वाला वर्कआउट, 2 ट्राइसेप्स. सो नेक्स्ट ट्राइसेप्स के लिए पहली एक्सरसाइज, दैट इज़ हम छोटा सा रॉड यूज़ कर रहे हैं फॉर पुश डाउन्स, ओल्ड स्कूल आर्नल्ड स्टाइल. वही वर्कआउट्स करता हूँ मैं. सो बेसिकली ये भाई परफॉर्म कर रहे हैं तो इनके साथ ही दिखाते हैं. सिंपल बेसिक परफॉर्म करिए. अब अगर आप इस वे में परफॉर्म करते हैं, दैट इज बहुत ज़्यादा सही वे में परफॉर्म कर रहे हैं. बट अगर मैं अपना इनपुट डालने की कोशिश करूँ, हल्का बैंड करके, हल्का बैंड इस वे में, एंड अब यहाँ से अगर आप ओपन करेंगे, इस वे में ओपन करेंगे, सिर्फ अगर आप हल्का बैंड करके ओपन करते हैं ना, यू गेट दैट स्ट्रेच. ये जो बॉटम पे स्ट्रेच आता है ना, वो स्ट्रेच बहुत अच्छा मिलता है. सो 3-4 सेट, 12-15 रिपीटेशन. फिर से आइसोलेशन वर्क है, ज़्यादा रेप्स करेंगे. ये एल्बो मूव नहीं करना चाहिए, ये चीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे ट्राइसेप्स का वर्कआउट के लिए, कि ये चीज़ कभी मूव नहीं करनी चाहिए. तो 3-4 सेट्स ऑफ दिस विल बी एनफ. अब लास्ट एक्सरसाइज भी एक सुपर सेट करेंगे. लास्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए एंड ओवरऑल इस वर्कआउट का लास्ट एक्सरसाइज है. 6 एक्सरसाइजेस करनी थी हमें. 6th एक्सरसाइज फिर से एक सुपर सेट. जब भी मैं बाइसेप ट्राइसेप्स करता हूँ, मैं ज़्यादा सुपर सेट्स करता हूँ, मज़ा आता है. एंड बेसिक एक्सरसाइज है 1-arm kickback एंड 1-arm केबल ओवरहेड extensions. अगर आप ट्राइसेप्स करते हैं तो आपको पता होगा कि लाइक 3 बेसिक आप एंगल्स हिट करते हैं. एक जहाँ पे आप नीचे जाते हैं, एक जहाँ पे आप पीछे जाते हैं बॉडी के, एंड एक जहाँ पे आप हाथ ऊपर जाते हैं, ओवरहेड एक्सटेंशन होता है. सो हमने पुश डाउन कर लिया, अब हाथ के बॉडी के पीछे एंड बॉडी के ऊपर. सो ये तीनों मोशंस कंप्लीट हो जाएंगे. सो बेसिक इस वे में ज़्यादा वेट नहीं लेना है. फिर से वही जब ट्राइसेप्स करते हैं, एल्बो फिक्स एंड एक्सटेंड, दोनों के फिर से 10-10, 4, 5, 6, 7. मैं एक्सरसाइज डंबल के साथ भी फॉर्म करता हूँ, बट मुझे पता नहीं क्यों डंबल में कभी भी वो कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हुआ किकबैक्स में जितना इसमें होता है. एंड जैसे ही आप इसके 10 रेप कंप्लीट कर लेते हैं, सिंपल 1-arm एक्सटेंशंस लाइक दिस. सो ये लास्ट एक्सरसाइज है दोनों के 10 रिपीटिशन. ट्रस्ट मी गाइस, आपको मज़ा आएगा ये ट्राई करने में. एंड बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं प्रोटीन में कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी मैं दिखा दूंगा. जिम बैग में होगा. सो अभी प्रोटीन वर्कआउट के बाद कंज्यूम करता हूँ. बेसिकली हर एक्सरसाइज में कितनी सेट्स हैं, कितने रेप्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा. मैं चाहता हूँ आप ये ट्राई करें. ज़रूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करें, वो फिलोसफी मैं कभी नहीं देता हूँ. आप अपने अकॉर्डिंग अपना तैयार करिए. एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा आपको किस वे में ट्रेन करना है. होपफुली आप कुछ सीख के जाएंगे. सो लेट्स गो. अब मैं अपना प्रोटीन शेक आपको दिखा देता हूँ लास्ट में. सो फाइनली बहुत सारे लोग जो पूछते हैं कौन सा प्रोटीन यूज़ किया मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सो ये प्रोटीन मैं यूज़ कर रहा था. एंड कोई प्रमोशन नहीं है, तो इसीलिए मैं मतलब जिम बैग से निकाल के इसी वे में मैं रखता हूँ. मैं इसके 3-4 पैकेजेस ख़त्म कर चुका हूँ. दिस इज़ माई 4th पैकेज आई थिंक. एंड मेरा फेवरेट फ्लेवर इसका मसल नेक्टर है. इसका नाम मसल नेक्टर का मैं यूज़ कर रहा हूँ. एंड इसका मेरा फेवरेट फ्लेवर मैंगो रहेगा, तो मैंगो ज़रूर ट्राई करना इनका. एंड 2-3 रीजन्स बता देता हूँ क्यों यूज़ करता हूँ. कोई प्रमोशनल नहीं है, तो मैं एकदम डेटा वाइज नहीं बात करूँगा. 2-3 रीजन्स. फर्स्ट थिंग इज़ कोई भी प्रिजर्वेटिव्स, कोई भी फिलर्स नहीं है. बहुत लाइट लगता है स्टमक पे. मेरे को वैसे ही प्रोटीन पसंद है जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत लाइट लगता है पीने में. एंड कोई बहुत लाइक भारी टेस्ट नहीं आता. जैसे मैंगो में भी एकदम डार्क, एकदम हैवी मैंगो का टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल लाइट मैंगो का, क्योंकि फ्लेवर्स एडेड नहीं है. वो एक नॉर्मल टेस्ट है जो लाइट मैंगो का टेस्ट होता है. एंड दैट इज़ व्हाई यूज़ दिस. musclenectar.com से आप खरीद सकते हैं, मैंने वहीं से ख़रीदा है. बहुत सस्ता नहीं बोलूँगा, 1450. आजकल 800 के भी प्रोटीन आ गए हैं, बट वो कितने इफेक्टिव हैं पता नहीं. 1400 रुपये का है, 30 सर्विंग है, एक महीना चल जाएगा आपका. एंड और भी लाइक मनी बैक गारंटी है, आई थिंक 30 डेज मनी बैक गारंटी है. उसके साथ टेस्ट, मैं तो टेस्ट की बात करूँगा, बिकॉज आई एम अ टेस्ट बेस्ड पर्सन. मेरे को टेस्ट ज़रूरी है प्रोटीन में. अब भी जब भी मैं प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पे, थोड़ा टेस्ट का रहता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो ज़रूर ट्राई करेगा. मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ किया. अगर अच्छा लगता है तो आके बताना इंस्टाग्राम पे भी कि प्रोटीन अच्छा लगा. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द लव. आई थिंक एक बहुत अच्छा वर्कआउट हमने किया. मिक्सेबिलिटी भी आप देख सकते हो, लाइक आपके सामने मिक्सेबिलिटी इज़ बहुत अच्छा है.
सो बहुत एक अच्छा वर्कआउट किया हमने, आई थिंक आपको हेल्प होगा. थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव, फॉर ऑल दी सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू.